हेलो व्हाट्सअप गाइस आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू हैंडल लोडिंग एंड एरर स्टेट इन आवर टेंस टैग क्वेरी जी हाँ गाइस तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि हम एक तो रिएक्ट क्वेरी टेंस टैग क्वेरी कुछ नया सीख रहे हैं राइट एंड सेकेंड थिंग मैंने आपको ये बताया कि टेंस टैग क्वेरी जो है हम यूज़ करते हैं टू फेस द डेटा फ्रॉम सर्बर जो कि हम नॉर्मल रिएक्ट के तरीके से भी कर ही सकते थे सो दैट्स वाई मैंने आपको पहले वीडियो में ये बताया कि आप ओल्ड तरीके में कैसे डेटा फेच कर सकते हो एंड है वी आर गेटिंग दिस लोडिंग स्टेट एंड ये रिएक्ट क्वेरी या टेंस टैक क्वेरी की मदद से आप डेटा कैसे फेच कर सकते हो मैंने आपको दोनों तरीके करके बताए सो नाउ इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा या अगर आप ओल्ड जो रिएक्ट का स्टाइल है उसी में ही कंफर्टेबल हो तो आप वही कंटिन्यू करो कोई बड़ी बात नहीं बट हाँ अगर आपको रिएक्ट क्वेरी अच्छी लगी तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए क्योंकि बहुत सारे फ्यूचर है एंड आज का तो एक और एडवांटेज आपको पता चल गया दैट इज हाउ टू हैंडल लोडिंग एंड एरेस्टेड ठीक है तो फिर से सबसे पहले कंपेरिजन ओल्ड तरीके में अगर मुझे करना होता दो और नए स्टेट वेरिएबल लगता दैट इज इज लोडिंग एंड देन इज एर ठीक है ये ऑब्वियस तो ये दो लाइन एक्स्ट्रा एड हुई एंड द मोमेंट हमारा स्टेटस सक्सेस हो जाता मैं क्या करता ये जो सेट इज लोडिंग में इसकी जो वैल्यू है उसको फॉल्स कर देता ये बोलने के लिए कि भाई हाँ अब लोडिंग स्टेज मत दिखाओ अब उसको आप फॉल्स कर दो जो एक्चुअल डेटा वो दिखाओ एंड वहीं अगर एरर जब होता है तब हम क्या करते सेट इज लोडिंग को भी फॉल्स कर देते हैं एंड साथ ही साथ सेट इज एरर की वैल्यू को ट्रू कर देते हैं कि कुछ तो ट्रू आई मीन कुछ तो एरर हुआ है तो अब इसमें जो भी एरर है आप वो दिखा दीजिए एंड ये जो इज लोडिंग है एंड देन ये जो इज एरर का स्टेट वेरिएबल है उनको हम लाइक एक्चुअल डेटा को रिटर्न करने से पहले हम वन बाय वन चेक करते हैं सबसे पहले तो लोडिंग चेक करते हैं भाई कोशिश करो लोड करने की कि डेटा मिल जाए ठीक है तो ये हम इज लोडिंग की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो लोडिंग स्टेज पर चला जाएगा ये ये वाला टेक्स्ट हमें दिखाई देगा अगर लोडिंग होने के बाद ये पता चलता नहीं उसमें तो कुछ एरर है तब ये जो इज एरर वाली वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा तो ये ओल्ड तरीका है मैं इसको ओल्ड नहीं बोलूँगा अभी भी बहुत लोग यही यूज़ करते हैं इवन मैं भी यही यूज़ ही करता हूँ लेकिन जब रिएक्ट क्वेरी आ गई तो अब उसमें क्या एडवांटेज है ठीक है देखो कोड हमारा इतना लंबा हो चुका है धीरे धीरे एंड कल की वीडियो में अगर हम देखते तो हमारा बस अभी तक इतना ही हुआ है एंड हमें हमारा डेटा मिल भी रहा है अब मुझे वो जो ईज लोडिंग है एंड देन जो ईज एरर है वो मुझे अब चाहिए तो क्या करें क्या हम सेम स्टेट वेरिएबल बनाए नहीं गाइस सो हेर इज द एडवांटेज एंड दैट इज यहां पे जो आप अलग अलग बना रहे थे ना ब्यूटी ये है कि यूज क्वेरी आउट ऑफ द बॉक्स आपको इज लोडिंग बाय डिफॉल्ट देता है एंड इज एरर बाय डिफॉल्ट देता है एंड साथ ही साथ क्या एरर था उसमें वो भी आपको देता है खत्म बस यही है अब बस ये तीन लाइन मुझे यहाँ पे ऐड करना था एंड ये जो ओल्ड में मैंने ये जो दो लाइन लिखी है कॉपी करके मुझे उसको बस यहाँ पे इस तरीके से चुका देना खत्म हो गया मेरा काम यहाँ पे देखो गाइस क्या नहीं करना पड़ा आपको इस तरीके से पहले दो बनानी पड़ी फिर यहाँ पे आपने सेट की फिर यहाँ पे इस तरीके से सेट किया बाकी ये दो तो चलो था ही बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं यहाँ पे तो बाई डिपॉल्ट इज लोडिंग इज एरर ऊपर से एक और एरर मैसेज भी आपको दे रहा है कि भाई क्या एरर है ये तो आपको बताएगा कि एरर है या नहीं हाँ या बुल वैल्यू बट यहाँ पे आपको वो डेटा भी दे रहा है साथ ही साथ तो इतना सब कुछ ये कर रहा है आपके लिए तो और क्या चाहिए बस हो गया ख़त्म यही है आपका यूज क्वेरी में लोडिंग एंड एरर स्टेट्स को हैंडल करना हो बस यही बच्चों वाला काम है ठीक है अब ये चाहे तो ये जो एरर है समथिंग वेंट रॉन्ग या तो अगर एरर है हमारे पास आप ऐसा कर दो कि लेट्स गो विथ एर डॉट मैसेज ठीक है उसके अंदर मैसेज होता और मैं और ऑपरेटर लगा रहा हूँ एंड ये जो डेटा हमें मिला है इसको ना मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ ठीक है तो आ, हुआ ये कि लाइक like, एरर तो हमें मिलेगा बट अगर एरर डॉट मैसेज है तो यही दिखा देना एल्स आप ये तो दिखा देना तो ये तो नॉर्मल आपका और ऑपरेटर अगर आपको याद हो सिंपल सा राइट सो गैस इतना अगर आप करते हो तो आपका काम हो गया तो आपने देखा ना कि धीरे धीरे अब आपको रियलाइज हो गया कि यार कितना ईजी है इधर तो मतलब ईजी तो क्या बोलना मतलब हमें बहुत कम लाइन ऑफ कोल्ड लिखने एंड बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हमें करके दे रहा है ठीक है अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे एंड फेच ठीक है यहाँ पे देखो यहाँ अभी अभी तो कोई एरर है ही नहीं बाय द वे एक काम करता हूँ ना मैं यहाँ पे चलता हूँ ए पे ये पोस्ट के बदले मैं एक और ऐसा ऐड कर देता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ अब अगर मैं यहाँ पे चलूँगा देखो कितनी जल्दी मुझे एरर भी आ गया एरर बता रहा है पोस्ट डेटा इज अनडिफाइंड और क्या चाहिए ये देखो ना मतलब मैंने नहीं किया ये मुझे ऑटोमेटिक क्वेरी का ही मुझे आ रहा है पोस्ट डेटा इज अनडिफाइंड मतलब डेटा उसको मिल ही नहीं रहा है तो इसको अगर मैं हटा दूंगा तब अगर यहाँ मैं चलता हूँ तो डेटा आ रहा है और एक और चीज़ मुझे ये भी दिखाना है वो लोडिंग स्टेज इतना जल्दी हो रहा है कि आपको दिख ही नहीं रहा है बाय द वे ठीक है कंसोल इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पे एक और एस ऐड कर देता हूँ अब यहाँ पे जाके इसको फेच करने की कोशिश करता हूँ सो so, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बता रहे क्वेरी डेटा कैनॉट बी अनडिफाइंड प्लीज़ make sure टू रिटर्न अ वैल्यू अदर देन अनडिफाइंड फ्रॉम योर क्वेरी function affected क्वेरी की पोस्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है एंड यहाँ पे बता भी रहा है इट इज़ अनडिफाइंड ठीक है तो आप समझ रहे हो ना तो आपको एरर बता रहा है देखो यहाँ पे एंड और भी कुछ चीज़ें हैं नेटवर्क यस yes. ये भी मुझे आपको एक चीज दिखाना है नेटवर्क में भी एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस पर फर्दर चलता हूँ तो 404 नॉट फाउंड स्टेटस कोड बता रहा है रिक्वेस्ट मोड गेट बता रहा है एंड आई मीन हो गया ना सब कुछ तो कितनी ईजीली जो एरर एंड देन जो लोडिंग वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया बट हाँ अब एक चीज है कि ये जो लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पे इन्होंने एक चीज ये बताया कि स्टेटस के टाइम में लोडिंग हैज़ बिन चेंज्ड टू स्टेटस पेंडिंग एंड इज लोडिंग हैज़ बिन चेंज्ड टू इज पेंडिंग एंड जो ये इज इनिशियल लोडिंग था नाउ हैज़ बिन रीनेम टू इज लोडिंग ठीक है तो आप यहाँ पे ये यह जो पार्ट है यहाँ पे इज लोडिंग के बदले आप यहाँ पे इज पेंडिंग कर सकते हो ठीक है उन्होंने ऐसा बोला है अब ये जो है आप यहाँ पे पेश कर सकते हो इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं फिलहाल अभी आपको इतना नहीं सोचना है बट ये या आपका ये काम करेगा एंड यहाँ पर इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ तो यह आपका डेटा आ गया तो कितना ईजी था ये लोडिंग एंड एरे स्टेट को हैंडल करना इन रिएक्ट क्वेरी सो गैस बताना चाहूंगा ये जो माइग्रेशन वाला जो ये यू है मैं आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये पता चलेगा वर्जन फोर में क्या था एंड वर्जन फाइव में क्या है एंड आई नो आपने तो ये फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो आपको वर्जन फोर में क्या था बोल के तो आइडिया ही नहीं होगा बट कोई नहीं तो जो वर्जन फाइव में आप वही कीजिए फिर ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा एंड या आई होप वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा कैसा लगा लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कल की वीडियो में तो आपको ओके okay, ओके okay लगा होगा बट आज ये एरर एंड देन लोडिंग स्टेट देखिए कहीं ना कहीं आपका माइंड थोड़ा सा चेंज हुआ होगा रिगार्डिंग टेंस टैग क्वेरी है ना एंड आगे और भी बहुत सारी चीज़ें बाय द वे अभी भी कमेंट करके बताइए कि आपका माइंड क्या बोलता है नहीं भाई पहला तरीका जो है वही ठीक है मैं उसी में खुश हूँ रिएक्ट क्वेरी नहीं चाहिए या आपको रिएक्ट क्वेरी पसंद आया कमेंट करके प्लीज जरूर बताना तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए ताकि आप ऐसे ऑसम वीडियोस मिस ना करें सो so गाइस अब मैं आपको मिलता हूं कल की वीडियो में टिल गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर